In the year 2145, Dr. Amelia Hart, a brilliant time-traveling archaeologist, embarks on an extraordinary expedition. She receives a cryptic message in an ancient language pointing to the existence of a hidden civilization that possesses knowledge capable of saving humanity's future. Intrigued by the challenge, she assembles a team of top-notch scientists and historians to join her on this unprecedented quest. The journey begins with Amelia and her team activating their state-of-the-art time machine. तो इस टाइप वीडियो जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम पे जाना है और सर्च करना है रीराडो एआई। देन आपको क्या करना है, इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए थ्री डॉट पर क्लिक करना है एंड लॉन्च ऐप पे क्लिक करके इसे आप लॉगिन कर सकते हैं। देन आपको क्या करते हैं, सो फर्स्ट मॉडल आएगा ड्रीम सेवर, उस पर आपको क्लिक करना है ड्रीम सेवर 7 पे। देन आप कंटिन्यू विद दिस मॉडल पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ेगी, एक स्टोरी की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए अपने फ्रेंडली चैटजीपीटी को यूज करेंगे। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे आपको जाने के बाद यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट लिखना है जो आप वो प्रॉम्प्ट ये कॉपी कर सकते और इस प्रॉम्प्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे फर्स्ट प्रॉम्प्ट लिखना है सजेस्ट मी सम टॉपिक्स फॉर स्टोरी टेलिंग। देन यहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाता है सजेस्ट में, आपको जो भी टॉपिक पसंद है आपको करना है उसके लिए एक और प्रॉम्प्ट लिखना है। जो मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ वो प्रॉम्प्ट आप सेम वहीं पे पेस्ट कर सकते हैं, बस आपको टॉपिक चेंज कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूंगा राइट अ स्टोरी ऑन नंबर 1। जब जैसे जो आपको स्टोरी पसंद है जो जितने नंबर पे उसको आप लिख सकते हैं। जैसे स्टोरी आपका जनरेट हो जाता है यहाँ पे, आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली आपको कॉपी करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा यहाँ पे, जो भी आप स्टोरी पढ़ लेते तो जैसे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नोट पैड में जाना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपको नोट क्रिएट कर लेना और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। आप नोट पैड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देन आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका स्टोरी होगा उसका फर्स्ट यहाँ पे पैराग्राफ उसको क्या करना है, कॉपी करना है। देन आपको वापस लीनाडो एआई पे जाना है और यहाँ पे प्रॉम्प्ट जहाँ पे आपको लिखना है वहाँ पे उसे पेस्ट कर देना है। फिर हम यहाँ पे इमेज जनरेट करेंगे। देन आपको कुछ यहाँ पे सेटिंग वगैरह चेंज करना है। यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, सेटिंग सेम रखूँगा और 60x9 चूज करूँगा। आप चाहे तो सेम सेटिंग कॉपी कर सकते हैं। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे इसे एग्जिट करना है। देन आपको यहाँ पे आप अपने को कुछ और चूज करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं सिंपली जनरेट पे क्लिक करके यहाँ पे इमेज जनरेट करूँगा और यहाँ पे कुछ देर लोडिंग होगा आपको, और लोडिंग होने के बाद कुछ दिन बाद आपको कुछ इस टाइप का रिजल्ट मिलेगा जो कि आपका फर्स्ट फ्रेम रहेगा। इसी तरह क्या करना, हमको हर एक फ्रेम जनरेट करना, तो उसके लिए हम क्या करें, हर पैराग्राफ को यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ये प्रक्रिया हमेशा चलते रहेगा जब तक आपका पैराग्राफ खत्म नहीं हो जाता है। और आप देख सकते हैं आपका सेकेंड पैराग्राफ का कुछ ऐसा रिजल्ट मिला। और जैसे इमेज आप जनरेट कर लेते हैं उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करना है। जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, यहाँ मैंने व्यू ऑल कर लिया ताकि मुझे सारा इमेज मिल जाए यहाँ पे, और सिंपली उस पर क्लिक करना है। आपको डाउनलोड कर लेना है इस इमेज को और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने को यहाँ पे इमेज डाउनलोड करना है। जिसमें जैसे कि मैंने यहाँ पे दो इमेज जनरेट हो रहा था एक बार, तो उन दोनों इमेज से मैं कंपेयर कर रहा हूँ जो बेहतर लग रहा है, उसमें से मैं एक इमेज यहाँ पे डाउनलोड करना है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे भी एक इमेज यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। आप चाहे तो अगर आप अपने स्टोरी टेलिंग वीडियो थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप दोनों इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, पर मुझे यहाँ पे एक इमेज ही डाउनलोड करना है। जैसे इमेज आपका डाउनलोड हो, जैसे उसका एक और वेबसाइट पर है जिसका नाम रनवे एमएल, यहाँ पे एक आपको अपग्रेड आया है इमेज टू वीडियो जिसे जनरेशन 2 बोलते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली उस पर आना है और यहाँ पे अपनी इमेज को यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपनी इमेज को जो फर्स्ट इमेज है यहाँ पे मैं उसे क्या करूँगा, यहाँ पे अपलोड करूँगा और यहाँ पे आपको कुछ सेकेंड यहाँ पे फ्री में मिलता है, तो उस सेकेंड को हम फायदा उठाएंगे। जैसे यहाँ पे मुझे 46 सेकेंड यहाँ पे फ्री में मिला है, उसके बाद मुझे यहाँ पे पैसा पे करना पड़ेगा, पर जब तक फ्री है मैं उतना में ही जनरेट कर लेता हूँ। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कोई ना कोई आइडिया लगा सकते हैं। देन आपको जो प्रॉम्प्ट वहाँ पे लिख रहे थे फर्स्ट पैराग्राफ को वहाँ पे यहाँ पे पेस्ट करना है, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा विदाउट पैराग्राफ इंडेक्स में यहाँ पे विदाउट प्रॉम्प्ट के भी इमेज वीडियो जनरेट कर सकते हैं। सिंपली आप इमेज अपलोड कीजिए और जनरेट पर क्लिक कीजिए, इससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे बाद में चेक किया तो मुझे बेहतर रिजल्ट विदाउट प्रॉम्प्ट को ही मिल रहा था। आप सिंपली यहाँ पे इमेज अपलोड कीजिए और आपको यहाँ पे एक परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग हो रहा है और लोडिंग होने के बाद आपको कुछ ऐसा शो कर रहा है। जैसे मैंने पहले बोला था आपको उतना खास यहाँ पे रिजल्ट नहीं देगा, पर जैसे आप बिना प्रॉम्प्ट के यहाँ पे इमेज अपलोड करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। और सेम प्रक्रिया आपको हर एक इमेज के साथ यहाँ पे करना, जितने भी इमेज यहाँ पे आपने अपलोड किया था सेम वही प्रक्रिया आपको यहाँ पे भी करना है। आपको क्या करना है, हर एक इमेज को यहाँ पे अपलोड करना है और उसे वीडियो में कन्वर्ट करना है। जैसे देख सकते हैं हमको लास्ट यहाँ पे मैंने बिना प्रॉम्प्ट का इमेज अपलोड किया था, जैसे वीडियो आपको कुछ ही टाइम मिला। जैसे आपका वीडियो जनरेट हो जाए आपको एक साउंड क्रिएट पड़ेगी, उसके लिए हम यूज़ करेंगे 11lab। 11lab में जाना है आपको, देन आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना, आपको यहाँ पे भी कुछ फ्री क्रेडिट मिलता है, इतना मिलता है कि इनफ है आपको वीडियो जनरेट करने के लिए। देन आपको यहाँ पे एडम वाला वॉइस मैं चूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ये सही लगता है, आपको जो सही लगे
वॉइस वो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एडम मेल का इसे मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, और जो स्क्रिप्ट वहाँ चैट जीपीटी से आपने जनरेट किया था यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। इसमें वहाँ से कॉपी करना, आपको यहाँ पेस्ट करना है, देन आपको जनरेट पे क्लिक करके उसे यहाँ जनरेट कर लेना है, क्योंकि हमें एक साउंड की भी नीड पड़ेगी। आप चाहे तो अपना साउंड भी यहाँ रख सकते हैं। देन आपको जैसे यहाँ पे जनरेट हो जैसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने और आपको करना अब जरूरत पड़ेगी एडिटिंग है, तो एडिटिंग के लिए आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कैपकट यूज़ करूँगा, आप चाहे तो यहाँ पे कैपकट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, और जितने भी वीडियो मैंने वहाँ से जनरेट किया था रनवे एमएल जनरेशन 2 से, वो वीडियो सारा यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, और आप सिक्वेंस वाइज या इसको फ्रेम वाइज यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, जिससे वीडियो आपका रिजल्ट परफेक्ट मिलेगा। जैसे आपको यहाँ करना है अपने प्रीव्यू में जाकर वीडियो को भी चेक करना है, और उसके बाद क्या करना है, जैसे आप सिलेक्ट कर देते हैं उसके बाद इसे ऐड कर लेना है, उसे चलाकर चेक कर लेना है आपको जैसा सही लगे। उसका जो आप साउंड जनरेट किए थे 11 लैब से, उसको क्या करना है सर्च करना और उसे ऐड कर लेना है। जैसे आपका साउंड ऐड हो जाता है वहाँ पर थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट देना है, थोड़ा बहुत यहाँ पर कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, वो VFX वगैरह लगा सकते हैं, मतलब जितना आपको क्रिएटिविटी लगाना है आप यहाँ पर लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने जितना सही लगा मैंने उतना किया। देन आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप कि इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने मिला होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखने को सीखे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं।